जिवें जिवें चोणां दी तरीक नज़दीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियां दे उम्मीदवार अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी दीयां नीतियां दे बारे ज़्यादा तो ज़्यादा लोकां विच इस दी चर्चा कर रहे हैं अते लोक भी राजनीतिक पार्टियां दे प्रोग्राम विच वध चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। दूजे पासे कांग्रेस दे जारी किए गए मैनीफेस्टो नूं लैके इत्थे गुरदासपुर जिले के हलका कादियां विच कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार फतेह जंग सिंह बाजवा ने कांग्रेस के मैनीफेस्टो नूं लोक हित विच दस्या अते उत्थे ही श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार सेवा सिंह सेखवां अते यूथ अकाली दल के नेता जगरूप सेखवां ने कांग्रेस के इस मैनीफेस्टो नूं अकाली दल दीयां चल रही स्कीमां की नकल ही दस्या। देखो जी, ये जिहड़ियां स्कीमां ने यह श्रोमणी अकाली दल दीआं स्कीमां दी फोटोकॉपी मार रहे हैं। ये स्कीमां तां अगे अकाली दल दे रहा, पेंशन असीं गरीबां नूं दे रहे हैं, बिजली गरीबां दी माफ आ, राशन असीं गरीबां नूं दे रहे हैं। सो यह साडियां स्कीमां दी कॉपी कर रहे हैं। जदों इन्हां ने 50 साल राज कीता उदों तां इन्हां ने कोई स्कीम नहीं दित्ती, ते हुण उन्हां दा राज भाग उन्हां तों खुस गया ते फिर यह गरीबां नूं होया। इन्हां ते 50 साल च गरीबां दा कचूंबर कढ के रख्या पंजाब च। पिछली जिहड़ी सरकार श्रोमणी अकाली दल दी आई आ उहदे च वी यूथ विंग दा सब तो वड्डा रोल सी, ते हुण वी जदों हैट्रिक वज्जेगी श्रोमणी अकाली दल भाजपा गठबंधन सरकार दी ते उहदे विच वी यूथ अकाली दल दा सब तो वड्डा रोल होएगा। पहली गल ते इह मैं कहणी चाहांगा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी आ जिन्ने अज तक जो किया उह कदे नहीं कीता। जे अज वी जो इह इलैक्शन मैनीफेस्टो लै के आए आ ये लोगों नूं मूर्ख बनाउण वाली गल आ। उहदे विचों जिहड़ियां 90% स्कीमां ओह ही ने जिहड़ियां श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहला ही लागू कीतियां ने। यह तो मैं कहूँगा कि बहुत ही तो मनप्रीत जी ने श्रोमणी अकाली दल के मैनीफेस्टो की नकल मारी है, लेकिन जिहड़ियां गल्लां इन्हां ने कुछ होर कीतियां ने वह सवाए छलावे दे होर कुछ भी नहीं। लोग बड़े सियाने ने पंजाब दे, केवल ते केवल श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ही एक ऐसा पोलिटिकल गठबंधन आ जिन्हें जदों भी अपने इलैक्शन मैनीफेस्टो विच जो किया वह करके विखाया। लेकिन अज तक का इतिहास आ कि कांग्रेस पार्टी इलैक्शन मैनीफेस्टो तो बड़े बनाउंदी रही, लेकिन उहदे ते एक भी गल ते अज तक कदी अमल नहीं कीता। जे कदे गलती नाल लोकां ने इन्हां दी सरकार पहलां बनाई भी आ ते इन्हां ने 5 साल ऐश इशरत तो बिना होर कीता ही कख नहीं, लोकां वल ध्यान ही नहीं दिता। मैं हुण अज कांग्रेस नूं इह गल पुछणा चाहुंदा कि 4 रुपये किलो कणक नहीं, हुण ते असीं 2 रुपये किलो दे रहे हां, ते 2007 तों 2016 आ गया लगातार दे रहे हां, ते इह जिन्ना चिर श्रोमणी अकाली दल भाजपा दी सरकार पंजाब दी धरती ते रहेगी जिहड़ियां स्कीमां चालू कीतियां ने यही स्कीमां चालू नहीं रहणगियां। इन्हां च एग्जरेशन होएगी, वाधा होएगा, और आउण वाला जिहड़ा साडा इलैक्शन मैनीफेस्टो आ इन्हां नालों किते वखरा होएगा ते वधिया होएगा। इह जिद्दन अनाउंस होएगा लोकी सारे वेख लैणगे। इह मैनीफेस्टो किसी ने घर बैठे नहीं बनाया। इह मैनीफेस्टो पहले पंजाब दे विच मनप्रीत सिंह बादल और बीबी रजिंदर कौर पटल ने बनाया, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिहड़ियां चीज़ां आपां लोगां नाल कर सकदे आ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰ ਕਰ ਨਾ ਸਕੋ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਮਿਟਿਡ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਅਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਰੈਕਟਿਵ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਏਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਤ ਸੇਵਕ, ਵੈਬ ਟੀਵੀ।